नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का टेक्नोस्टोरी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर सो दोस्तों, जो आज का जो वीडियो है आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा ऑसम होने वाला है। अगर आपके पास भी दोस्तों एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन है और दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर जो है एक इस तरीके से मोबाइल डेटा वाला ऑप्शन है, सो दोस्तों इस वाली वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो के अंदर आपको मोबाइल फोन के डेटा बटन का एक ऐसा खुफिया राज बताऊंगा जिसको जान के आप लोग भी बिल्कुल चौंक जाओगे। अब दोस्तों, अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है तो आप लोग जब भी अपने मोबाइल फोन का इंटरनेट ऑन करते हैं तो आप लोग दोस्तों क्या करते हैं, जो मोबाइल फोन का जो डेटा बटन होता है इस पर क्लिक करते आपका जो इंटरनेट होता है वो ऑन हो जाता है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद जो है इंटरनेट बंद हो जाता है। उसके बाद जब भी हम लोग अपने मोबाइल फोन में इंटरनेट चलाने की कोशिश करते हैं तो हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो है इंटरनेट नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको जो है मोबाइल फोन के इंटरनेट बटन का, मोबाइल फोन के डेटा बटन का दोस्तों एक ऐसा खुफिया राज बताऊंगा जिसको जान के आप चौंक जाओगे। आप लोग तो सिर्फ यही सोचते होंगे इससे जो है इंटरनेट ऑन होता है, इंटरनेट ऑफ होता है और तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसके अंदर भी दोस्तों एक ऐसा खुफिया राज छुपा हुआ है ना जिसको आप लोग नहीं जानते, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर जो है बताने वाला हूं। बहुत ज्यादा ऑसम वीडियो होने वाला है, आप लोग ये रात जान के दोस्तों अपने दोस्तों को साथ किसी को भी दोस्तों चौंका सकते हो एंड जो भी देखेगा वह हक्का बक्का रह जाएगा। तो कौन सा राज और कौन सा ट्रिक अगर आपको जानना है तो पूरा वीडियो ध्यान से एंड कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक जरूर कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वाला एक बटन है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल होता है इसको ऑन कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो मिलेगी आप लोगों को सबसे पहले। और नीचे दोस्तों कमेंट में आपको लिखना है दोस्तों मोबाइल और उसके बाद इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट करके दोस्तों आपको जो है कमेंट में पक्का लिखना पड़ेगा तभी ये ट्रिक वर्क करेगा। कमेंट पक्का कर दो, छोटा सा है प्लीज कमेंट कर दो, कमेंट करने से कुछ नहीं लगेगा, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, आपको कमेंट करना जरूरी है और फिर वीडियो को पूरा देखे, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखो दोस्तों, मेरे जो मोबाइल फोन का जो डेटा बटन है बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे मोबाइल फोन का डेटा ऑन करता तो ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता तो ऑफ हो जाता है, ओके। लेकिन इसका खुफिया राज कौन सा है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ओके। तो होता क्या है दोस्तों, कई बार जो है हमारे दोस्त वगैरह हमसे मोबाइल फोन मांग लेते हैं, और जब भी हमसे हमारे दोस्त या फिर कोई भी अगर रहा चलता बंदा भी अगर हमसे मोबाइल फोन मांग लेता है तो हमें जो है उनको अपना मोबाइल फोन तो देना पड़ता है। जब भी हम किसी दूसरे को मोबाइल फोन देते हैं तो वो क्या करते हैं दोस्तों, हमारे मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट चलाते हैं, हमारे मोबाइल फोन जो प्ले स्टोर में जाकर दोस्तों बहुत सारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजते रहते हैं, यूट्यूब चलाते हैं दोस्तों, बहुत कुछ एक्टिविटी दोस्तों हमारे मोबाइल फोन के अंदर करते रहते हैं जिसके जरिए दोस्तों हमारे मोबाइल फोन का इंटरनेट दोस्तों पूरा हो जाता है, ओके। लेकिन अब मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि जब आपके हाथ में मोबाइल फोन आएगा ना तभी इंटरनेट चलेगा, कैसे चलिए मैं आपको बताता हूं। तो करना क्या है, सबसे पहले जो मोबाइल फोन का डेटा बटन होता है उसके ऊपर क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखते ही दोस्तों आप लोग जो है इस वाले इंटरफेस पे आ जाओगे, आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अगर ऐसे ओपन नहीं होता है ना तो करना क्या है दोस्तों, आपको जाना है मोबाइल फोन की सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर जाकर आपको सिम को सेलेक्ट कर देना है, तभी दोस्तों ऐसा इंटरफेस हो जाएगा, नहीं इस पर क्लिक करके रखोगे तभी जो है ओपन हो जाएगा, ओके। उसके बाद जो है आपको नीचे की तरफ जाना है, नीचे की तरफ जाओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे दोस्तों जो है इंटरनेट लिखा है ना इसके ऊपर क्लिक करना है, जो इंटरनेट लिखा होता है उसके ऊपर क्लिक करना है। नीचे एक मोर का बटन होगा, फिर ऊपर थ्री टिक का बटन होगा, कहीं भी हो सकता है, मैं ये मोबाइल फोन यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मेरा अलग आ रहा, आपका थोड़ा अलग आ सकता है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर डिलीट एपीएन का बटन मिलेगा, आपको डिलीट एपीएन पर क्लिक करके इसको जो डिलीट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका काम हो गया। अब दोस्तों आप लोगों को अपने मोबाइल फोन डेटा ऑन करना है और अपने दोस्त को मोबाइल फोन दे देना है, या फिर जहाँ पर आपको मोबाइल फोन रखना है वहाँ पर मोबाइल फोन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार टेबल पर मोबाइल फोन पड़ रहता है तो भी बच्चे वगैरह लेके गेम खेलने लग जाते हैं, यूट्यूब चलने लग जाते हैं, उनसे हम ले भी नहीं सकते, लेकिन अब नहीं होगा। अब क्या होगा दोस्तों, जब भी आपके मोबाइल फोन को इंटरनेट चलाने की कोशिश करेगा, आपका डेटा ऑन है भाई, डेटा ऑन है ठीक है, वो चलाने की कोशिश करेगा, इंटरनेट चलेगा ही नहीं। आप लोग ये देख सकते हो, मैं देखो मैं प्ले स्टोर पे था, प्ले स्टोर में बैक करता हूं, वापस प्ले स्टोर मैंने ओपन किया और यहां पर देखिए नो इंटरनेट, यहां पर देखिए लिखा गया नो इंटरनेट, मेरा डेटा ऑन है, मैं डेटा ऑफ कर देता हूं, देखो मैंने डेटा ऑफ कर दिया, तो भी रिट्राई कर रहा हूं कुछ भी नहीं हो रहा, मैं डेटा ऑन कर देता हूं लेकिन तो भी देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब कि मेरे मोबाइल फोन में डेटा ऑन होने के बावजूद मैं अपने मोबाइल फोन में इंटरनेट नहीं चला पा रहा हूं। तो ऐसा अगर कोई देखेगा तो चौंक जाएगा, वो सोचेगा यार तो आपके मोबाइल फोन में जो है मतलब कि इंटरनेट है ही नहीं, आपने रिचार्ज नहीं करवा रखा। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, अब कौन सी बात है वो चलिए मैं आपको बताता हूं, ओके। तो दोस्तों ऐसे करके आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ में मजाक कर सकते हो, उनके साथ प्रैंक कर सकते हो, उनको पता तक नहीं चलेगा आपका डेटा ऑन रहेगा तो भी वो अपने मोबाइल फोन में जो है इंटरनेट नहीं चला पाएंगे, आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब मैं बताता हूं इंटरनेट को वापस एक्सेस करना कैसे, तो करना क्या है डेटा के ऊपर क्लिक करके रखना है, आप यहां पर आ जाओगे, उसके बाद जो है आपको यहां पर क्या करना है, आपको जो अपने सिम को सिलेक्ट करना है, सिम को सिलेक्ट करने के बाद एक्सेस पॉइंट नेम है ना उसके ऊपर ही वापस आपको क्लिक करना है, और नीचे रीसेट का बटन होगा, फिर ऊपर की तरफ रीसेट का बटन होगा उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ऑन होते ही अब आप लोग दोस्तों अगर यूट्यूब वगैरह चलाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका यूट्यूब भी चलने लगेगा, अगर प्ले स्टोर ओपन करोगे तो प्ले स्टोर वगैरह भी सही खुलेगा, एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ आएगा, मतलब आपका जो है इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ऐसा अमेजिंग सा ऑसम सा ट्रिक है दोस्तों जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते थे, जिसके बारे में आपको आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक के बटन क्लिक करके लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।